Hello everyone, this is Deepak Malve, and today we are going to discuss our design of RCC structure, or we can say advanced RCC, introduction and types of retaining block. So let's start. Introduction: our retaining wall is a structure designed and constructed to resist the lateral pressure of soil when there is a desired change in ground elevation that exceeds the angle of repose of the soil. The wall must resist the lateral pressure generated by loose soil or in some cases water pressure also. That means जो retaining wall आपका होता है, जो आपका earth retaining structures होते हैं, वो basically जो loose soil होती है या soil होती है या water pressure होते हैं, उनको resist करने का, उनको retain करने का basically work करती है. उनके purpose को उसको retain करने के लिए हम लोग provide करते हैं. जस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो जितना भी जहाँ पे ग्राउंड लेवल में चेंजेस आते हैं, अगर हम कोई हिली एरिया की बात करें और आप वहाँ पे कोई रोड को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो आप जैसे ही रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अगर वो हिली एरिया है तो जो भी हम मटेरियल वहाँ पे डंप करेंगे तो मटेरियल क्या होता है, स्लिप होता है. तो अगर आप चाहते हैं उस मटेरियल को रोकना, रिटेन करना चाहते हैं, वो स्लिप ना हो, तो हम इस साइड से वॉल बना देंगे और इस साइड से वॉल बना देंगे जो इस बीच में लगे हुए मटेरियल को क्या करेगा, रिटेन करेगा, उसको नीचे जाने से रोकेगा. That mean, ये जो वॉल है ये आपका एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो उस मटेरियल को रिटेन कर रहा है. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि बिल्डिंग का जो बेसमेंट हम लोग बनाते हैं, उस बेसमेंट में भी हम सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं, तो हम ग्राउंड लेवल से नीचे चले जाते हैं. तो जब हम नीचे जाएंगे तो जो ग्राउंड लेवल ऊपर है वहाँ पर जब भी लोड आएगा, तो लोड की वजह से जो सॉइल है वो बेसिकली क्या करेगा, नीचे की तरफ स्लिप करेगा. तो अब वहाँ पे भी एक वॉल बनाते हैं वो क्या करेगी, सॉइल को रिटेन करती है. तो बेसिकली हम उसको भी क्या बोलते हैं, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल में आपका बेसमेंट जो होता है बिल्डिंग का उसमें यूज़ की जाती है. इसी तरीके से स्विमिंग पूल वगैरह की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी ग्राउंड लेवल में चेंजेस आते हैं, तो वहाँ भी हम जो वॉल यूज़ करते हैं, एक तरफ से वन साइड आपका वाटर रिटेन करती है, दूसरे साइड से आपका सॉइल को रिटेन करती है, तो वो भी एक आपका अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वॉल होगा. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, जहाँ पर ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर का यूज में लिया जाता है, इसी को हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर मैं दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ तो दैन रिटेनिंग वॉल्स आर द रिलेटिवली रिजिड वॉल्स यूज फॉर द सपोर्टिंग सॉइल लैटरली सो दैट इट कैन बी रिटेन्ड एट डिफरेंट लेवल ऑन द टू साइड्स. रिटेनिंग वॉल्स आर स्ट्रक्चर डिजाइन टू the strain soil to the slope that it could not naturally keep to in condition. So this type of walls or rigid structures or earth retaining structures is called the retaining. So next one, ये example है आपके सामने. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक wall बनाई गई है जो basically ऊपर जो ground level है वो different है, तो नीचे जो ground level है वो different है. तो आपका जो उधर का soil है वो इस तरफ ना आए, जो डाउन लेवल उस तरफ मूव ना करे, तो उसके लिए आपने ये वॉल बनाई है. तो दिस इज आर रिटेनिंग और वी कैन से अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज बनाया गया हुआ है, फ्लाईओवर टाइप से बनाया गया हुआ है. जो आपको वॉल दिख रही है ये जो वॉल बनाई है आरसीसी से बनाई गई हुई है, उसके एंड दूसरे साइड में जो है वो कुछ मटेरियल वहाँ पे होगा जिसको रिटेन करने के लिए जो फिर रोड बना आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे ये वॉल बनाया था. ये भी एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ बेसमेंट बनाया जा रहा है जिसके लिए सेंट्रिंग लगा के साइड से वॉल बनाई जा रही है जो बेसिकली मटेरियल को रिटेन करेगी. तो इसे भी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे. सो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रिटेनिंग वॉल की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में इंट्रोडक्शन में आपको यूजेस बताया, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग बेसिकली रिटेनिंग वॉल का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग बेसमेंट के लिए हम रिटेनिंग वॉल का यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल में हम लोग रिटेनिंग वॉल का यूज़ करते हैं, ब्रिज अबटमेंट एक्सेट्रा हम लोग रिटेनिंग वॉल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर में मटेरियल को रिटेन करने के लिए इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को वहाँ पर बनाते हैं. अब टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल की अगर हम बात करते हैं, दे आर फोर टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल. नॉर्मली चार टाइप की रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, फोर टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स जो बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट इज ग्रेविटी वॉल, एंड सेकेंड इज कैंटिलीवर वॉल, थर्ड इज काउंटर फोर्स वॉल, एंड फोर्थ इज बटरेस वॉल. फर्स्ट इज ग्रेविटी वॉल. ग्रेविटी वॉल मीन्स जो अपनी ग्रेविटी से, अपने सेल्फ वेट से मटेरियल को रिटेन करती है. एंड ये जो वॉल होती है ये आरसीसी से नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी एक्सेट्रा. बिकॉज जो पीसीसी होता है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और स्टोन मैसनरी होता है, ब्रिक मैसनरी होता है, उनके डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से
इनका जो साइड वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनकी ग्रेविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रिटेन कर पाए। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर आरसीसी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ पे आरसीसी की वजह से उसकी ग्रेविटी जो होती है उसके डायमेंशन कम हो जाएंगे, तो ग्रेविटी कम होगी, तो ग्रेविटी की वजह से बेसिकली वो कम से कम लोड को बियर कर पाएगा। तो नॉर्मली हम ट्राई करते हैं ये जो बॉल होती है वो स्टोन मैसनरी, पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और ब्रिक मैसनरी से बनाई जाए, और ये पहले के टाइम पर मोस्टली यूज़ की जाती है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ ग्रेविटी वॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ क्रॉस सेक्शन, तो ग्रेविटी बीम वॉल आर द वॉल विच यूज देयर ऑन वेट टू रेजिस्ट द लैटरल प्रेशर, द मेन फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी बीम वॉल आर द वर्टिकली फोर्सेस फ्रॉम द वेट ऑफ द वॉल, द लैटरल प्रेशर एक्टिंग ऑन द बैक फेस ऑफ द मसनरी फ्लोर। सो आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जो ब्रिक मशीनरी वगैरह यूज की गई है, स्टोन मशीनरी है, रोड कॉन्क्रीट है जो कि किसी से प्लेस में कॉन्क्रीट से बनाए गए, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड दिस इज इकोनॉमिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब ये हाइट 3 मीटर तक की इकोनॉमिकल है, अगर इससे ज़्यादा हाइट आपको लेनी है तो आप इसको अगर बनाएंगे तो ये अनइकोनॉमिकल जोन में जाने लगेगा। उसका रीज़न है कि जब हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो हमें इसके लेटर डायमेंशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो आपके मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड टाइप होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल आरसीसी से बनाई जाती है, और इसको बेसिकली कैंटिलीवर वॉल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कैंटिलीवर बॉडी की तरह एक्ट करते हैं। पार्ट्स मीन्स इसमें जो स्टैम है, वर्टिकल मेंबर आप देख सकते हैं कि इसमें वर्टिकल मेंबर स्टैम है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये पूरा बेस स्लैब होता है, ये वाला जो है ई स्लैब इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्लोज स्लैब बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमें की प्रोवाइड करते हैं जिसको हम शेयर की बोलते हैं, और हर एक पार्ट जो है वो उसका कैंटिलीवर बॉडी की तरह एक्ट करता है। ये एल टाइप में भी बनाई जा सकती है, तो इसे एल वॉल भी बोला जाता है, एंड दिस इज इकोनॉमिकल अप टू हाइट ऑफ 7 मीटर, ये आपकी इकोनॉमिकल होती है 7 मीटर। अगर मैं बात करता हूँ तो काउंटर कोर्ट वॉल होती है, अगर हमें 7 मीटर की हाइट की ज़्यादा वॉल बनानी तो उस कंडीशन में आपकी कैंटिलीवर वॉल अनइकोनॉमिकल होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग काउंटर कोर्ट वॉल प्रोवाइड करते हैं, और काउंटर कोर्ट में कुछ हम नया नहीं करते, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, ऑलमोस्ट ये कैंटिलीवर वॉल होती है, सिर्फ हम जो उसमें हील वाला जो साइड होता है इसका हील स्लैब के साइड में यहाँ पे जो ट्रायंगुलर मेंबर्स आपके देख रहे हैं कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिनको हम काउंटर कोर्ट हैं, और इनको प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये जो काउंटर कोर्ट्स हैं ये हील स्लैब के साथ में पूरे स्टैम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिससे सॉइल का जो प्रेशर आता है जब वो स्टैम के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये काउंटर कोर्ट उसको फिल करके रखता है, मतलब पूरा का पूरा जो लोड है जो स्टैम पर ट्रांसफर हो रहा है काउंटर कोर्ट अपने ऊपर ले लेता है, और फिर हील के थ्रू बेसिकली ग्रैफ के ऊपर उसको कर दे रहा है। और ये हम लोग नॉर्मली 3 मीटर, 3.5 मीटर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर हम नंबर ऑफ काउंटर कोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोड को जो क्लियर भी कर सकता है, और मैक्सिमम दिस टाइप ऑफ वॉल इज कॉल्ड काउंटर कोर्ट। एंड लास्ट वन इज बटरेस वॉल। बटरेस वॉल मीन्स ऑलमोस्ट काउंटर कोर्ट वॉल ही ये होती है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम काउंटर कोर्ट के केस में हील साइड में हम लोग काउंटर कोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बट बटरेस वॉल के केस में हम लोग जो टो साइड होता है जो सॉइल का अपोजिट साइड होता है वहाँ पे हम लोग ये काउंटर कोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिनको बटरेस कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज़ है काउंटर कोर्ट की तरह, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हील की जगह हम जो काउंटर कोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो टो के साइड में करेंगे। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो इसे हम लोग बटरेस वॉल के नाम से जानते हैं मोस्टली, लेकिन आप लोग देखेंगे कि हम लोग बटरेस वॉल प्रोवाइड नहीं करते बिकॉज जो टो वाला एंड होता है वो फ्री एंड होता है, नॉर्मली ओपन साइड होता है, तो इस ओपन साइड को आर्किटेक्ट व्यू से अगर हम देखें या हम लोग कुछ और दूसरी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर ये ओपन साइड है तो हम इसमें दूसरा टाइप का कुछ भी काम कर सकते हैं, इस प्लेस का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे बटरेस लगा देंगे तो उस कंडीशन में ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा उस एरिया को एंगेज कर देगा, जिसके वजह से आपका जो एरिया है वो बेसिकली यूज लेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग काउंटर कोर्ट वाली वॉल यूज़ करते हैं, क्योंकि जो काउंटर कोर्ट्स होते हैं वो हील के साइड होते हैं, और हील के साइड ऑलरेडी हम लोगों का सॉइल जो है वो भरा रहेगा जिसको हमें रिटेन करना है, तो वो बेसिकली एरिया वैसे भी यूज़ में नहीं रहे और जो काउंटर कोर्ट उसी सॉइल के नीचे बेसिकली टच जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग काउंटर कोर्ट प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बटरेस वॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ टाइप्स ऑफ प्रेशर की सॉइल की वजह से जिस सॉइल को हम लोग बेसिकली यहाँ पे रिटेन करने वाले हैं, या जिस सॉइल की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको जो हम रिटेन करने वाले हैं, रजिस्ट करने वाले हैं, तो जो प्रेशर बेसिकली उस सॉइल की वजह से क्रिएट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल। फर्स्ट इज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एंड सेकेंड इज एक्टिव अर्थ प्रेशर, एंड थर्ड इज पैसिव अर्थ प्रेशर।
प्रेशर एट रेस्ट मीन्स जब सॉइल की वजह से आपके बॉल पर प्रेशर एक्ट करता है और आपका बॉल जो है ना आगे की तरफ मूव करेगा ना पीछे, ना ट्यूबर का सॉइल जाएगा ना आगे फॉर्म का सॉइल जाएगा, तो इस टाइप का जो प्रेशर एक्ट करता है इसको हम बेसिकली प्रेशर एट रेस्ट करते हैं। एक्टिव बट प्रेशर के केस में आपका जो बॉल होता है, जो स्टैम होता है, वो अवे फ्रॉम द सॉइल जाता है, जो सॉइल आपका भरा हुआ है जिसको आपको रिटेन करना है उससे दूर जाता है, तो एक्टिव बट प्रेशर। एंड अगर टू बट द सॉइल आता है तो हम उसको पैसिव अर्थ प्रेशर कंसीडर करते हैं। सो ये थ्री टाइप्स प्रेशर जो है बेसिकली इस पर एक्ट करते हैं, एक्टिव बट प्रेशर है, पैसिव बट प्रेशर है, एक्सेट्रा। एंड थ्योरी की अगर बात करें कि जिस बेसिकली थ्योरी को हम यूज़ करते हैं अर्थिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, रिटेनिंग बॉल को डिज़ाइन करने के लिए, दो टाइप की थ्योरी, एक फर्स्ट है इज रैंकाइंस थ्योरी एंड सेकंड इज कोलंबस थ्योरी। नॉर्मली हम रैंकाइंस थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, जो भी सॉइल की वजह से प्रेशर डेवलप होता है वो बेसिकली हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं उसमें रैंकाइंस थ्योरी की जो कंडीशन हैं वो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, जो बेसिक आप सॉइल में आपको करते हैं। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। So thank you so much.